नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक देखिए। और जो मेरा नए फ्रेंड्स है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है और इसे आईटी की दुनिया भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो इसका आंसर होगा कालिंजर में। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी लड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं? दिन और रात कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर होगा घूर्णन की गति के कारण। पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसकी गति के कारण दिन और रात बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? इसका आंसर होगा पोटास उर्वरक। पोटास उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्याता है भारतीय संविधान का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो है मानसूनी। भारत की जलवायु मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पर है? माउंट आबू में। ओके फ्रेंड्स, माउंट आबू कहाँ है? अरावली श्रेणियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है, क्या कहलाता है वो? वो कहलाता है कलम। क्या कहलाता है? कलम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृष्ठ तनाव किस कारण से पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किस कारण पैदा होता है? तो इसका आंसर देखते हैं, अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। ओके फ्रेंड्स, अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे सामान्य स्तनधारी है, सबसे सामान्य स्तनधारी कौन है? मानव। मानव सबसे सामान्य स्तनधारी में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नील नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? भगवान महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो इसका आंसर है क्षत्रिय में। क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर होगा वी आई लेनिन। वी आई लेनिन रूसी क्रांति के जनक थे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे पर बहती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय का। इनको शेर ए पंजाब कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो आपको जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।